पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जमा राशि को 29 फरवरी तक इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद इसकी सर्विस पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बता दें कि पिछले महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया था। अब ऐसे में लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर वे कौन से कारण रहे हैं जिनकी वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक को ये सब झेलना पड़ा। मेरे पास सबूत होने का मतलब नहीं है। इस देश के बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने पेमेंट पेटीएम बैंक को प्रतिबंधित किया है और 29 फरवरी के बाद उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। और मेरा अपना मानना है कि जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं, चाहे वो केवाईसी का उल्लंघन हो, चाहे वो अनुपालन रिपोर्ट जो गलत दी गई हो, चाहे वो एक एक पैन कार्ड हजारों अकाउंट से लिंक्ड हो, चाहे वो जो आशंका आरबीआई ने जताई है मनी लॉन्ड्रिंग, ये बड़े सीरियस चार्जेस हैं। लेकिन इस पर सरकार का क्या रवैया है? ये अनियमितताएं अब समझ में आ रहा है कि 2017 से चल रही थी। 7 साल की एक लंबी ढील क्यों दी गई पेटीएम पेमेंट बैंक को? किसके इशारे पर होता है? क्यों? क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक के जो संस्थापक हैं, वो मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो उनके साथ खूब सेल्फी खिंचाते हैं, उनके बारे में एड देते हैं। खुद प्रधानमंत्री, ये सारे आक्षेप जब चल रहे थे उसके बाद भी पेटीएम की पैरवी अपनी इलेक्शन रैलीज में करते हैं, कहते हैं जो मोदी नाम की पिक्चर बनी है उस पर 200 रुपए कैशबैक मिलेगा अगर आप पेटीएम से टिकट खरीदेंगे। तो ये रिश्ता क्या है? और हर बार जब मोदी जी के चहेतों के खिलाफ ऐसे आरोप आते हैं तो एजेंसियां शिथिल क्यों पड़ जाती हैं? सवाल आज सिर्फ एक है कि मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका आरबीआई ने जताई है तो ईडी हाथ पर हाथ धरे आज क्यों बैठी है? इस बात का जवाब तो प्रधानमंत्री और सरकार से ही मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि किन वजहों से आरबीआई ने लगाया पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन। आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को कई प्रमुख कारणों से बैन किया गया है। इसका इस्तेमाल बहुत से ऐसे लोग कर रहे थे जिनके अकाउंट की केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई थी और इसके जरिए लेन देन किया जा रहा था। ऐसे में गलत गतिविधि होने की स्थिति पैदा हो रही थी, जिसको लेकर आरबीआई ने ये फैसला लिया। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एक ही पैन कार्ड पर 1000 से भी अधिक यूजर्स अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे और इनके द्वारा नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। आरबीआई और ऑडिटर्स ने जब इसकी जांच की तो उसमें कई ऐसी चीजें पाई गई जो आरबीआई के नियमों से मेल नहीं खाती थी। इतना ही नहीं, पेटीएम पेमेंट्स के पास वर्तमान में 35 करोड़ से अधिक ई वॉलेट हैं और हैरानी वाली बात ये है कि इनमें से 31 करोड़ यूजर्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, जबकि बचे हुए 4 करोड़ यूजर्स के द्वारा इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें से कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जिनकी केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है।